है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टू इडियट। आज है दिवाली और आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो अपना स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। हमारे पास है कुछ इस तरह का एक बॉम जिसका नाम है बजरंगी बॉम है करके इसका नाम है। और सिंपली हमारे पास एक कटोरी है, देख सकते हैं आप। और इसके नीचे हम इसको रखेंगे और फिर देखते हैं कि ये बॉम इसको उड़ा पाएगा या नहीं उड़ा पाएगा और क्या करेगा इसके साथ, हमें भी नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और दोस्तों आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी घर पे ट्राई मत कीजिएगा। हम तो सिंपली अपने देखो, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ खेत है हमारा अपना, हम यहाँ पे सिक्योरली इसको कर रहे हैं घर पे। प्लीज़ आप नॉर्मल अपने जो नॉर्मल छोटे बम होते हैं आप प्लीज़ नॉर्मल बम ही पटकाइएगा। ऐसा कुछ भी अपने घर पर ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ख़तरनाक तो ये होते ही हैं और किसी के सिर पर लग सकता है, किसी पर कुछ भी हो सकता है, मतलब तो प्लीज़ घर पर मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम इसमें आग लगाने के लिए जा रहे हैं, फिर देखते हैं इसके साथ क्या होता है। तो गाइस देखा आपने हमारा जो बॉम्ब था कितनी तेज यहाँ पर धमाका किया है, साथ ही साथ देखिए कितनी दूर यहाँ पे जाके पटका देगी। चलो देखते हैं। थोड़ी सी गर्म भी है यहाँ पर हमारी जो, देखिए अंदर से कैसा कर दिया है, ग्रीन ग्रीन कर दिया है अंदर से इसको। एक चलो दोस्तों एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको। बड़ा ही मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में। प्लीज़ वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों हमने दूसरा बॉम्ब ले लिया, यहाँ पर इसकी पत्ती छील देते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा समय मिल सके यहाँ से निकलने के लिए। और ये यहाँ पर हमने इसको रख दिया है। तो फाइनली दोस्तों पिछली बार हम वीडियो में आपको दिखा नहीं पाए थे कहाँ तक गया था ये, इस बार हम आपको दिखाएंगे। लेके चलिए। दोस्तों देखा आपने कितनी ऊपर तक गई है, एक बार फिर से हमारी जो कटोरी थी वो उस बॉम ने, हमारे बजरंगी बॉम ने कितनी ऊपर तक इसको काफ़ी हाइट यहाँ पर गई है। तो चलो देखते हैं एक बार फिर से इसको उठा के, अभी भी गर्म है इस बार और भी ज़्यादा गर्म है दोस्तों ये। तो चलिए दोस्तों फिर से एक और बॉम ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार बर्तन हमारी जो कटोरी वो नहीं होगी, दूसरी होगी। तो चलिए दोस्तों इस बार हमारे पास गिलास है और फिर देखते हैं इस गिलास के साथ ये बॉम क्या करता है। फिर से एक बार और बॉम ट्राई में लेकर बॉम ले लिया है, गिलास ले लिया है, फिर से एक बार फिर लॉन्च करते हैं और देखते हैं क्या करता है इसके साथ। फिर से हम बत्ती छील लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा समय मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने इस बार गिलास को तो काफ़ी बेहतरीन तरह से इसने बहुत ही ज़्यादा दूर यहाँ पर उछाल दिया है, वहाँ काफ़ी ऊंचा भी गया है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों देखा आपने कितनी दूर यहाँ पर आके गिराया हमने, वहाँ पर देखिए अभी भी देखिए आग लग रही है, देखिए धुएं हो रहे हैं अभी भी उठ रहे हैं वहाँ पर, काफ़ी ख़तरनाक ब्लास्ट है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉम है हमारा बजरंगी बॉम, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, प्लीज़ आप अपने घर पे ट्राई बिल्कुल मत कीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों यहाँ पर अभी भी आग लगी हुई है,
इसको बुझा देते हैं, नहीं तो ये खतरा हो सकता है। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा, अभी तक हमने दो यहाँ पर एक कटोरी और एक गिलास को अभी हमने बम के नीचे रखा और उसे किसने ऊपर तक इसको पहुँचा दिया था। यहाँ पर काफ़ी तेज़ धमाका था और काफ़ी हाइट तक बहुत लेके गया और काफ़ी दूरी भी इसे मिल गई इसे जाने के लिए। तो दोस्तों एक बार और ट्राई करने वाले हैं, लेकिन इस बार हम इसे जो हमारे पास ढक्कन है एक इसके साथ ट्राई करेंगे, लेकिन ये काफ़ी हैवी भी है और देखते हैं इस बार फिर से क्या ये हमारा बजरंगी बम इस ढक्कन को हैवी है काफ़ी उनके मुकाबले, तो क्या इसको भी उड़ा पाएगा या फिर क्या होगा कुछ नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों फिर से एक बार ट्राई करते हैं इसे तो देखा दोस्तों आपने कितना खतरनाक हमारा ये ब्लास्ट हुआ ये वाला थी, और कितनी दूर तक हमारा जो है क्या नाम करते। तो देखो दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारा ये पड़ा है, यहाँ पर ये सबको ग्रीन ग्रीन कर रहा है। देखो दोस्तों इसको भी इसने ग्रीन कर दिया है यहाँ पर ये, तो देखो। तो प्लीज़ दोस्तों इसको घर पर ट्राई बिल्कुल मत कीजिएगा, और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार एक्सपेरिमेंट के साथ हम आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।